गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सीआईडी एकेडमी में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा रीजनिंग का टॉपिक होगा लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का तार्किक क्रम। हम देखते हैं कि चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बाद हम इसके टाइप को देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे। तो हमारा सबसे पहला प्रोसेस आता है, यानी हम कह सकते हैं शब्दों का तार्किक क्रम से हमारा तात्पर्य है शब्दों का ऐसा व्यवस्थित क्रम जो स्वर मान्य हो, यानी सभी के स्वर मान्य हो, सभी की सोच एक जैसी हो, इसको हम कहते हैं स्वर मान्य। अब इसमें जो भी प्रश्न आपके बनते हैं वो टू टाइप्स क्वेश्चन बनते हैं। पहला वाला क्वेश्चन का टाइप आपका होता है घटना या समूह के आधार पर। दूसरा टाइप होता है अंग्रेजी शब्दकोश यानी डिक्शनरी के आधार पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा, पहले घटना या समूह के आधार पर हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा हमारा इसी पर लेक्चर आएगा जिसपे हम लोग अंग्रेजी शब्दकोश यानी डिक्शनरी के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोनों ही पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जामिनेशन में 2 से 3 क्वेश्चन यानी आपके 2 से 3 मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं इस चैप्टर से। और इस चैप्टर को ध्यान देने के लिए लगातार हमारी जीएस के जो क्लासेस चल रही हैं उनको कंटिन्यूअस आप देखें, क्योंकि घटना हो या समूह हो या कोई समस्या हो या किसी भी तरीके की कोई भी अगर स्थिति आती है तो उसके बारे में हमें प्री नॉलेज यानी पहले से कुछ ना कुछ जानकारी होनी चाहिए, तभी हम उस क्रम को सही से समझ पाएंगे और व्यवस्थित उसको कर पाएंगे। यानी सिंपल भाषा में हम बात करें, जब भी यहाँ क्वेश्चन आएंगे तो आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, या फिर आपका छोटे से बड़े पोस्ट के अनुसार यानी पदों के अनुसार जो भी हमारी चीजें होंगी उसके अनुसार होगा, या फिर आपका नंबर में दिया होगा तो उस तरीके से गणित पर बेस्ड क्वेश्चन होगा, या फिर उनकी बनावट के आधार पर या उनकी गुणवत्ता के आधार पर क्वेश्चन डिपेंड करते हैं। अब ज्यादा हम इसलिए नहीं इसमें बता सकते हैं क्योंकि ये अनलिमिटेड है, बहुत सारे टाइप के प्रश्न बनेंगे, तो हम लोग क्वेश्चनों को लेकर डिस्कशन करते हैं और उससे ज्यादा क्लियरिटी आएगी कि क्या कहना चाहता है क्वेश्चन और उसमें किस तरीके का हम यहाँ से अपना क्रम को व्यवस्थित करते हैं। ओके, क्वेश्चन को देखते हैं। विकल्प के माध्यम से आप इन प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा सही कर सकते हैं, क्योंकि जहां पे आपको कुछ जानकारी बीच में नहीं होती है वहां पे आप उसका ऑर्डर टेस्ट मिलाते हैं तो फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन से आपका आंसर अधिकतर मैच कर जाता है। जैसे देखेंगे प्रश्नों को, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है दो पॉइंट, तीन पॉइंट, चार पॉइंट, जैसा भी प्रश्न में दिया होगा मिनिमम आप मान के चलिए कि 4 पॉइंट से क्वेश्चन बनता है और मैक्सिमम आपका 6 पॉइंट तक क्वेश्चन का टॉपिक बनता है। तो आप जिस भी क्रम में दिया होगा उस तरीके के हम पहले पॉइंट को यानी टॉपिक को नोट करते हैं। वहां पे आपका ये हो सकता है कि रोमन अंकों में लिखा हो या फिर आपका अंकों में लिखा हो, इसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा, क्योंकि जो भी ऑप्शंस आपके बने होंगे वो उसके अपोजिट में बने होंगे और उसको हम जब आंसर देते हैं तो वहां पे आपके आंसर जो होंगे वो ABCD के रूप में 4 विकल्प में दिए होंगे। तो मैं एक प्रश्न आपका लिखता हूं और उसमें क्या करता हूं ऑप्शन भी आपको बताऊंगा किस तरीके से बनता है, फिर बाकी क्वेश्चनों को लिखेंगे, उसका सही क्रम व्यवस्थित करेंगे और दिए गए विकल्प पे आप आंसर को टैली करते रहेंगे। जैसे प्रश्न हमारा पहला दिया गया है, पहले पॉइंट पे लिखा है पढ़ना,
दूसरे पॉइंट पे आपका दिया गया है सुनना सुनना। तीसरे पॉइंट पे आपका दिया गया है लिखना लिखना। और चौथे पॉइंट पे दिया गया बोलना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रक्रिया हम कर रहे हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अगर हम इस क्रम के बारे में बात करें तो मैं ऑप्शन लिखता हूं, आप देखें ऑप्शन से कैसे ये बहुत इजी हो जाता है। पहले विकल्प पे ऑप्शन आपके दिए गए हैं 4 2 1 3 चार दो एक तीन। दूसरे विकल्प पे आंसर आपका दिया ऑप्शन दिया गया है 2 4 3 1 2 4 3 1। और तीसरे पे ऑप्शन दिया गया है आपका 2 4 1 3 2 4 1 3। और फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है 4 3 2 1 4 3 2 1। तो अब यहां पे अगर देखें तो हम यहां पे ना तो असेंडिंग है ना तो डिसेंडिंग है, ये प्रोसेस है आपकी एक प्रक्रिया है। और प्रक्रिया में हमें ध्यान देना होता है कि हम इस प्रक्रिया को कैसे प्रोसेस करेंगे। जैसे ये हमारा एक लेक्चर चल रहा है, ये लेक्चर इसी पे बेस्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले आप सुनना, यानी सबसे पहले का प्रोसेस आपका क्या होता है, हम किसी भी चीज को क्या करते हैं, सुनते हैं। सुनने के बाद हम क्या करते हैं, बोलते हैं उसको, यानी बोलना क्रम बनता है। और बोलने के बाद क्या करते हैं, उसको लिखने का क्रम बनता है, यानी उसको लिखते हैं। और लिखने के बाद हम क्या करते हैं, उसको पढ़ना, यानी पढ़ते हैं। तो इस तरीके का हमारा ये सार्थक क्रम होना चाहिए, जो सार्थक क्रम आपका क्या है, अव्यवस्थित रूप से दिया गया है और इसे हमें व्यवस्थित करना होगा। तो दिए गए विकल्पों में आपके जो पॉइंट जैसे दिए, यानी आपका सुनना जो दिया गया सेकंड पॉइंट पे दिया गया, तो हम दिए गए विकल्प में टैली करते हैं सेकंड पॉइंट किस पर दिया गया है। तो आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल एंड फोर्थ ऑप्शन कैंसिल, आंसर आपका बी और सी में आ जाता है। अब इसके बाद हम अंतिम पॉइंट देखें तो पढ़ना, अगर हमें इंफॉर्मेशन पता है तो हम क्या करेंगे, अंतिम ऑप्शन देखेंगे पढ़ना किस पर दिया गया है। तो पढ़ना आपका फर्स्ट नंबर पे दिया गया, तो आप अंतिम में देखिए सबसे फर्स्ट नंबर केवल सेकंड विकल्प पे दिया गया, यानी आपका आंसर सेकंडों में सही हो जाता है, जो आपके लिए पेपर में बहुत मायने रखता है। तो अब इसका सही क्रम आपका हो जाएगा, सबसे पहले हम सुनते हैं किसी चीज को, फिर बोलते हैं, फिर लिखते हैं, फिर पढ़ते हैं, और यही ऑर्डर टेस्ट आपको याद करना है। और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है। जल्दबाजी में अक्सर हम गलती कर देते हैं, सुनना लिखना फिर बोलना पढ़ना कर देते हैं, तो इस तरीके से गलतियां हो जाती है। यानी आपने देखा कि इस तरीके के प्रश्न को हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं और विकल्प के माध्यम से। अब हम केवल प्रश्न लिखेंगे और उसका ऑर्डर क्रम बताएंगे किस तरीके से बनेगा। तो सारे विकल्प हम ना लिखते हुए क्वेश्चनों को लिखते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को डिस्कशन करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 होगा हमारा, इसको मैं रफ करना चाहता हूं और आप अदर क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हो जाएं। मेरे साथ साथ प्रयास किया करिए कि देखें कौन सबसे पहले आंसर को सही करता है। जैसे मैं लिखता हूं, आप भी अपना रफ कॉपी और पेन रखें और वहां पे तुरंत उस ऑर्डर टेस्ट को लगाते रहें साथ साथ में, तब मजा आएगा पढ़ने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला ऑप्शन आपका दिया गया प्रवणता, और सेकंड पे दिया गया आपका सहसौ, थर्ड विकल्प पे आपका दिया गया है बचपन, और फोर्थ पे आपका दिया गया है किशोरावस्था। देखिए अब इसके बारे में हम बात करें तो यहाँ पे विकल्प का आप सहारा लेंगे वहां से, बट अभी यहाँ विकल्प का सहारा ना लेके हम इसका सही क्रम डायरेक्ट नोट करते हैं, ऑप्शन आपके पेपर में दिए होंगे। सबसे पहले आप देखें तो आप लोगों ने सुना होगा जो सबसे छोटी स्टेज हमारी होती है वो सहसा अवस्था मानी जाती है, यानी सबसे पहले हमारा आएगा क्या, सहसौ। फिर इसके बाद अगर हम बात करेंगे सहसौ के बाद तो हमारा आएगा कौन सा, बचपन, यानी हमारी 0 से लेकर 6 माह तक की जो बच्चे की एज होती है वो सहसौ की अवस्था में जाती है। फिर इसके बाद उसका बचपना आता है। आप ये साइको के क्वेश्चनों को जब डिस्कशन की क्लासेस हमारी चलेंगी, हो सकता है तो आपको वहां पे इनके अवस्थाओं के बारे में बताया जाएगा। चलिए तो इसके बाद हमारा आएगा बचपन, और बचपन के बाद हमारा आता है किशोरावस्था। जो बचपन की बाद की स्टेज आती है तो हमारा हो जाएगा किशोरावस्था, और फिर अंतिम में हमारी वृद्धावस्था यानी प्रौढ़ावस्था के बारे में हम बात करेंगे, हमारा हो जाएगा ऑर्डर टेस्ट प्रौढ़ता।
अब इसका जो भी क्रम आपका विकल्प पे दिया होगा ए बी सी डी ऑप्शन पे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सहसौ यानी सेकंड ऑप्शन को रखेंगे, फिर इसके बाद बचपन यानी थर्ड ऑप्शन को रखेंगे, फिर किशोरावस्था यानी फोर्थ ऑप्शन को रखेंगे, और फिर इसके बाद आपका अंतिम होगा प्रौढ़ता। यानी इस तरीके का जो भी विकल्प जिस ऑप्शन पे होगा आप उसको टिक कर देंगे। मैं ऑप्शन बार बार नोट नहीं करूंगा, केवल क्वेश्चनों को डिस्कशन करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम लोग। क्वेश्चनों को आप ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को लगाएं और कमेंट्स के माध्यम से लगातार पूछते रहिए। क्वेश्चन आपका दिया गया नेक्स्ट अमीबा, अमीबा। दूसरा है आपका विकल्प आइस्टर, आइस्टर साइंस है ये प्रश्न, और इसके बाद दिया गया कृमि, और फिर दिया गया आपका गाय। आप सभी को पता है कि जानवर में होने वाली एक बीमारी है आइस्टर, जिसका एक सही सार्थक क्रम है, तो जानवर का नाम मेंशन गाय के रूप में कर दिया गया है। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले हमारे पास इसके स्टेटिन के बारे में बात करेंगे यानी अरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले आ जाएगा अमीबा। अमीबा क्या होता है आपका, कृमि होता है, तो इसके बाद आ जाएगी कृमि। और इसके बाद अगर हम मॉडल टेस्ट के बारे में बात करेंगे तो कौन सी बीमारी फैलाता है, तो आइस्टर बीमारी फैलाता है। किसमें, तो यहाँ पे जानवर के रूप में, एनिमल के रूप में गाय आया हुआ है। यानी ये हमारा ऑप्शन, दिए गए विकल्पों में अगर हम वहां पे टेली करेंगे तो हमें इस ऑर्डर टेस्ट को मिलाना होगा इस ऑप्शन से, ना कि ये चीज लिखा हुआ वहां पे मिलाएंगे या बनाएंगे। आप ऑप्शन का ही सहारा लें। जैसे यहाँ पे सबसे पहले अमीबा यानी फर्स्ट विकल्प होगा, फिर इसके बाद आपका थर्ड होगा कृमि का, फिर आपका होगा आइस्टर का, और फिर आपका गाय का होगा। यही विकल्प आपका सही होगा। अब इसमें आप ये मत कहिएगा सर पहले हम गाय से लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप पोस्ट नहीं है, ये क्या है, स्थिति है, और स्थितियों में हम क्वेश्चन के आंसर को कंडीशन के अनुसार ही रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अगर दिक्कत होती है तो जरूर कंसल्ट करें आप अकेडमी की साइट पर और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन दिया गया आपका आई, आई दूसरे पे दिया गया है आपका रुतबा, रुतबा तीसरे पे दिया गया आपका शिक्षा, चौथे पे आपका दिया गया है तंदुरुस्ती, तंदुरुस्ती और पांचवे पे दिया गया है आपका नौकरी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी इसके बारे में उम्मीद करते होंगे कि हम इस ऑर्डर टेस्ट को फॉलो करें और बहुत जल्दी जल्दी नौकरी पाएं और तंदुरुस्ती के बारे में सोचें। तो चलिए सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या आना चाहिए इसमें। सबसे पहले हमें शिक्षा यानी एजुकेशन हमें डिपेंड करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जॉब पाने का सबसे अच्छा माध्यम है हमारी एजुकेशन कितनी अच्छी है और किस तरीके हमें कॉन्सेप्ट तैयार है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, तो यहाँ पे आपका शिक्षा की प्राथमिकता फर्स्ट दी जाएगी, फिर शिक्षा के बाद आपके पास क्या होगा नौकरी होगी, और नौकरी के बाद क्या बढ़ेगी आपकी आय बढ़ेगी। जब आय बढ़ेगी तो डेफिनेटली आपका क्या होगा रुतबा बढ़ेगा, और जब आपका रुतबा बढ़ेगा तो डेफिनेटली तंदुरुस्ती तो आना ही आना है, तो आपका तंदुरुस्ती ऑप्शन हो जाएगा तंदुरुस्ती। इस तरीके से आप दिए गए विकल्प पे जिस भी ऑप्शन पे आपके ये ऑर्डर टेस्ट में दिया होगा आप उस क्वेश्चन को सही करेंगे और आंसर आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं और उसको सॉल्व करिए आप सभी मेरे साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आज बैक टू बैक मजा आने वाला है आप सबको, एक से एक प्रश्नों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं यहां पर। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, फर्स्ट ऑप्शन पे दिया गया है प्रवीक्षा, दूसरा आपका ऑप्शन दिया गया है साक्षात्कार, साक्षात्कार तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया है चयन, चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है नियुक्ति, नियुक्ति
और पांचवा ऑप्शन दिया गया आपका विज्ञापन यानी एडवर्टीजमेंट। देखिए जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो आप सभी कंपटीशन से रिलेटेड हैं, तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। और अगर आपको समीक्षा वर्ड ना आ रहा हो तो मैं इसका एक दूसरा भी हमारे पास इसमें और करके दिया हो, प्रोवेशन। प्रोवेशन, चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप कोई भी एग्जामिनेशन को फेस आउट करने से पहले उसके एडवर्टीजमेंट को पढ़ते हैं, यानी विज्ञापन इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप सभी अभी सुन रहे होंगे लॉकडाउन की स्थितियां खत्म होते ही 5200 लेखपाल की पोस्टें आने वाली है, तो उम्मीद करता हूं कि आप इसका जम के फायदा उठाएं और आने वाली भर्ती में ट्वीट पढ़ें कि एक लेखपाल की सीट हमें कंफर्म करनी है और हमारी टीम भरसक प्रयास करेंगे हम सब कि आपको एक सीट दिलाए। चलिए क्वेश्चन हमारा आता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, विज्ञापन यानी फिफ्थ वाली पोजिशन हमारी सबसे पहले आएगी। विज्ञापन के बाद आपका आता है साक्षात्कार आता है, यानी वो रिटर्न के रूप में हो चाहे इंटरव्यू के रूप में हो, यानी हम कह सकते हैं लिखित या फिर आपका क्या हो सकता है मौखिक, दो ही तरीके से साक्षात्कार होता है। तो साक्षात्कार की कंडीशन आपकी होगी, दूसरा पॉइंट आएगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आपका क्या होता है, उसमें चयन होता है और चयन होने के बाद आपकी क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है, और नियुक्ति के बाद आपका क्या किया जाता है, ट्रेनिंग, यानी आपको ट्रेनिंग दी जाती है। देखिए हम यहाँ गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमें सोच गवर्नमेंट जॉब की रखनी है, यहाँ पे आपको प्राइवेट सेक्टर की सोच नहीं रखनी है कि पहले ट्रेनिंग कराएंगे फिर ज्वाइनिंग कराएंगे। गवर्नमेंट का प्रक्रिया यही है, पहले क्या होता है अपॉइंटमेंट होता है यानी नियुक्ति होती है, इसके बाद ट्रेनिंग कराई जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जिस भी विकल्प है ये आपके ऑप्शन होंगे वो आप राइट करेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चनों को देखते रहे भाई, एक से एक क्वेश्चनों का कलेक्शन मैंने कंसल्ट किया है और कलेक्ट किया है कि आप सभी इसको समझें, और ऑलमोस्ट बच्चों की प्रॉब्लम्स आती है क्लास के समय में इन प्रश्नों को लेकर। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है आपका धातु, पॉइंट नंबर टू है आपका प्रक्रिया, प्रक्रिया इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सॉरी ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका कच्ची धातु, कच्ची धातु। फिर इसके बाद फोर्थ विकल्प पे दिया गया है आपका शुद्ध करना, शुद्ध करना। एंड फिफ्थ पे दिया गया है आपका मिश्रित धातु, मिश्रित धातु। उम्मीद करता हूं आप इन सभी शब्दों से परिचित होंगे पूर्व में। तो सबसे पहले अगर हम किसी के बारे में बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कच्ची धातु को हम सबसे पहले लाते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, प्रक्रिया यानी उसको बनाने के प्रोसेस को प्रक्रिया कहते हैं, यानी सबसे पहले। फिर इसके बाद क्या होगा आपका प्रक्रिया होगी, प्रक्रिया के बाद क्या होगा उसको शुद्ध किया जाता है, शुद्ध करते हैं, शुद्ध होने के बाद वो किसी ना किसी मेटल का रूप ले लेती है यानी धातु बन जाती है और वो आपका धातु के रूप में हो जाएगा। और दो धातुओं को मिलाने को हम मिश्र धातु बोलते हैं यानी मिक्स मेटल बोलते हैं। तो अंतिम आपका फिफ्थ वाला हो जाएगा दिए गए विकल्पों में, जो भी आपका ये ऑर्डर टेस्ट होगा आप उस आंसर को राइट कर देंगे। ओके तो आप क्वेश्चन को साथ में देखते रहें और आप ऑप्शन को साथ में टेली करते रहें। मैं बार बार ऑप्शन इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ए बी सी डी के रूप में या फिर ई के रूप में विकल्प होते हैं, टाइम बहुत लगेगा, इसलिए हम ऑप्शन ना देकर डायरेक्ट आंसर को टेली करते जाएंगे ऑप्शनों के माध्यम से। ओके क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, रफ करता हूं मैं और अदर क्वेश्चन लेता हूं। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है मुद्रक, मुद्रक। दूसरे पे दिया गया आपका प्रकाशक, प्रकाशक। तीसरे पे दिया गया है आपका लेखक, लेखक। चौथे पे दिया गया है आपका संपादक, संपादक। एंड फिफ्थ पे दिया गया है आपका विक्रेता, विक्रेता। अब देखिए सबसे पहले अगर हम इनमें ऑर्डर टेस्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा, लेखक आएगा, तो यानी हमारा थर्ड वाला पहले आ जाता है। लेखक किसके पास जाता है तो संपादक के पास जाएगा, तो फोर्थ वाला आ जाएगा। संपादक क्या करेगा, प्रकाशक के पास जाएगा, यानी दो नंबर आ जाएगा। प्रकाशक किसके पास जाएगा,
मुद्रक के पास जाएगा और मुद्रक के बाद क्या होगा, पब्लिश हो जाएगी जो भी उसका मैटर है या कंटेंट है, और वो फिर कौन खरीदेगा, विक्रेता के पास पहुंच जाएगा, यानी आपका फिफ्थ हो जाएगा। इस ऑर्डर टेस्ट में इसका सही क्रम होगा और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन को टच कर रहा है, चाहे वो SSC हो चाहे आपका UPSC का कोई भी एग्जामिनेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है प्रेषण, दूसरा दिया हुआ है विकल्प कूटबद्ध करना, तीसरा विकल्प दिया गया है आदान यानी प्राप्ति। पेपर आपका बाईलैंगुअल होगा तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, अगर कोई भी वर्ड आपको प्रॉब्लम करता है तो आप उसका इंग्लिश वर्जन देख लेंगे। इसके बाद दिया गया है कूटानुवाद, कूटानुवाद। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा कूटबद्ध करना, किसी भी चीज को हम क्या करते हैं, सबसे पहले कलेक्ट करते हैं, यानी आप सबसे पहले क्या करेंगे, कूटबद्ध करेंगे, और कूटबद्ध करने के साथ आप किसी को प्रेषित करेंगे यानी प्रेषण करेंगे, भेजेंगे। और फिर इसके बाद एक नंबर आ जाता है, और जब किसी चीज को भेजते हैं तो सामने वाला व्यक्ति क्या करता है, उसको रिसीव करता है यानी प्राप्ति करता है, आदान वर्ड हो जाएगा। तो आदान ना देखकर आप प्राप्ति देखें तो ज्यादा इजी हो जाता है, इसलिए ये मैंने ऑप्शन आपका साथ में ब्रैकेट में लिख दिया है। तो आपका इसके बाद आ जाता है थर्ड नंबर, और जब अंतिम होगा तो आप उसके प्रोसेस को समझते हैं या उसका रिप्लाई करते हैं या उसको पढ़ते हैं, तो उसको कूटा अनुवाद बोलते हैं, यानी आपका फोर्थ विकल्प आ जाता है। जिस भी ऑप्शन पे ये होगा आप इसको सही कर देंगे। उम्मीद करता हूं आपको सारे प्रश्न क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया हुआ है, देखें, कलेक्टर कलेक्टर गवर्नर गवर्नर क्लर्क क्लर्क, इसके बाद दिया है आपका मुख्य सचिव और फिर आपका कर दिया है राष्ट्रपति। तो इस तरीके जो भी प्रश्न अगर आपके पास दिया होता है तो हमें क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, यानी दिए गए विकल्प में मान लीजिए बड़े से लगाया हुआ तो राष्ट्रपति को दिया होगा, और अगर छोटे से लगाया होगा तो क्लर्क को लगाया गया होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए छोटे से लगा, इस क्वेश्चन को देखते हैं बड़े से छोटे में लगाने का सिस्टम क्या होता है। अगर मान लीजिए बड़े से लगा होगा तो पहले राष्ट्रपति दिया होगा और छोटे पे दिया होगा तो क्लर्क होगा। तो हमारा जो क्रम बन जाता है बड़े या छोटे से, ऑप्शन हम टेली करेंगे, अब जो ऑप्शन के माध्यम से बड़े या छोटे पे लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन को लगाएंगे, हम छोटे से बड़े को लगाते हैं क्योंकि दिए गए विकल्प में जो आपके नोटबुक में है उसमें छोटे से बड़े को लगाया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्लर्क हो जाएगा, यानी हम लिखेंगे क्लर्क, और क्लर्क के बाद हमारे पास दिया गया विकल्प में हो जाएगा आपका कलेक्टर कलेक्टर, फिर इसके बाद हमारे आ जाता है कलेक्टर के बाद आ जाते हैं मुख्य सचिव मुख्य सचिव मुख्य सचिव के बाद आ जाते हैं आपके गवर्नर, और फिर आपके आ जाते हैं राष्ट्रपति। यानी ये हमारा क्रम होगा, ये पोस्ट के अनुसार सबसे बड़ा आपका राष्ट्रपति होता है और सबसे छोटा क्लर्क होता है। तो सबसे बड़े छोटे से लगा देते तो आंसर हमारा सही हो जाता है। इस टॉपिक का आज अंतिम प्रश्न आप देखेंगे और इसके बाद हम दूसरा पार्ट इसका बनाएंगे जो आपका डिस्नी रेजिमेंट से रिलेटेड होगा। अंतिम प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न में दिया गया आपका मेजर, दूसरा पॉइंट दिया गया आपका कप्तान कप्तान, तीसरा पॉइंट दिया गया आपका कर्नल कर्नल, चौथा पॉइंट आपका दिया गया ब्रिगेडियर ब्रिगेडियर, और पांचवा दिया गया आपका लेफ्टिनेंट जनरल।
लेफ्टिनेंट जनरल। मैंने इस प्रश्न को स्पेशली इसलिए लिखा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है और आप इसको विशेष ध्यान दें। और देखें इस प्रश्न में फिर वही कंडीशन है, आपका पोस्टों के अनुसार लगाना है, तो बड़े से छोटे पोस्ट पे हम लगा सकते हैं। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो सबसे बड़ी पोस्ट आपकी होती है लेफ्टिनेंट जनरल की और सबसे छोटी पोस्ट होती है आपकी कप्तान की। तो लेफ्टिनेंट जनरल आपका हो जाता है, फिर कप्तान हो जाता है, यानी हमारे दिए गए विकल्पों में 5 और एंडिंग आपकी 2 पे होगी, जिस विकल्प पे होगा वो सही हो जाएगा। और इसका अगर हम ऑर्डर टेस्ट के बारे में बात करें तो पहले लेफ्टिनेंट होगा, फिर आपका ब्रिगेडियर हो जाएगा, और फिर ब्रिगेडियर के बाद हो जाएंगे आपके कर्नल महोदय यानी 3 नंबर, और फिर इसके बाद मेजर हो जाएगा, और मेजर के बाद बच जाते हैं आपके कप्तान। यानी ये हमारा टॉपिक आपका आज का कंप्लीट होता है, और दूसरी वीडियो के लिए आप इसका डिस्प्ले अरेंजमेंट देखेंगे। थैंक्स।